लद्दाख और हिमाचल की सरहद में बर्फबारी के बीच सरचू में फंसे करीब 30 बड़े वाहनों को बीआरओ 70 आरसीसी ने रेस्क्यू कर दारचा पहुंचा दिया है। पिछले दिनों हुए हिमपात के कारण लद्दाख से मनाली की तरफ निकले कई वाहन सरचू में फंस गए, जिनमें कई पर्यटक वाहन भी शामिल थे। बीआरओ 38 बीआरटीएफ के 70 आरसीसी ने बर्फबारी के बीच मशीनों की मदद से बड़े वाहनों को सरचू से सुरक्षित दारचा पहुंचाया। बीआरओ के अधिकारियों के मुताबिक ताजा हिमपात के बाद बारालाचा में पारा गिर गया है। कड़ाके की ठंड के बावजूद बीआरओ के मशीन ऑपरेटरों ने जान जोखिम में डालकर बारालाचा दर्रा पार कर सभी बड़े वाहनों को सुरक्षित दारचा पहुंचाया। दारचा से सरचू की दूरी करीब 50 किलोमीटर है। उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने बताया कि बारालाचा दर्रा की तरफ पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए किलोंग से अशोक राणा की रिपोर्ट। लद्दाख और हिमाचल की सरहद में बर्फबारी के बीच सरचू में फंसे करीब 30 बड़े वाहनों को बीआरओ 70 आरसीसी ने रेस्क्यू कर दारचा पहुंचा दिया है। पिछले दिनों हुए हिमपात के कारण लद्दाख से मनाली की तरफ निकले कई वाहन सरचू में फंस गए, जिनमें कई पर्यटक वाहन भी शामिल थे। बीआरओ 38 बीआरटीएफ के 70 आरसीसी ने बर्फबारी के बीच मशीनों की मदद से बड़े वाहनों को सरचू से सुरक्षित दारचा पहुंचाया। बीआरओ के अधिकारियों के मुताबिक ताजा हिमपात के बाद बारालाचा में पारा गिर गया है। कड़ाके की ठंड के बावजूद बीआरओ के मशीन ऑपरेटरों ने जान जोखिम में डालकर बारालाचा दर्रा पार कर सभी बड़े वाहनों को सुरक्षित दारचा पहुंचाया। दारचा से सरचू की दूरी करीब 50 किलोमीटर है। उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने बताया कि बारालाचा दर्रा की तरफ पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए किलोंग से अशोक राणा की रिपोर्ट।